नमस्कार, मैं हूं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। बगानी पंचायत समिति में मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया विकास अधिकारी के नाम सहायक अभियंता ब्रजपाल सिंह को ज्ञापन। ज्ञापन भरत चतुर्वेदी ब्लॉक अध्यक्ष के तत्वाधान में दिया गया और बताया गया कि ग्राम पंचायत बगानी के मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड ऑनलाइन डिलीट हो गए, जबकि उनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज भी ग्राम पंचायत में जमा करवा दिए गए थे। इसके बावजूद भी जॉब कार्ड डिलीट करना ग्राम पंचायत बकानी की घोर लापरवाही है और कहीं सिंगल लोगों के भी जॉब कार्ड बनाए हुए हैं। वो पंचायत समिति के करल गांव ग्राम पंचायत में नाबालिग के भी जॉब कार्ड बनाए हुए हैं और इतना ही नहीं, इस पर पेमेंट भी उठाया हुआ है तथा बकानी पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतों में जो लोग बाहर कार्य कर रहे हैं वह भी इस मिस्टल में नाम चलाकर पैसा उठा रहे हैं। ऐसा कई जगह मनरेगा योजना में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। पूरे मामले को सहायक अभियंता ने सुनते हुए गंभीरता से लेकर जांच कमेटी बनाने की बात कही। सहायक अभियंता ने पंचायत समिति कर्मचारी को तुरंत बुलाकर जांच कमेटी बनाने के लिए बोल दिया। ऑनलाइन डिलीट का अभी ज्ञापन दिया है, उसके आधार पर उन्होंने जो बताया है हमें कि भाई कुछ जो जॉब कार्ड है वो डिलीट कर दिए गए ग्राम पंचायत के स्तर से। उसकी हमने अभी कमेटी का गठन करके जांच करने के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। अतिशीघ्र इसकी जांच करके जो भी होगा। तो सर, ये काफ़ी टाइम से डिलीट है तो इसकी जानकारी नहीं थी आपको? हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा, और सर ये कोई डिलीट है तो कोई रीजन होगा, उसके आधार पर होगा। अगर कोई गलत हुआ है तो उसके लिए निश्चित रूप से जांच करके जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, ये एक मामला भी काफ़ी उठा था, नाबालिग बच्चों के जो जॉब कार्ड बने, ये क्या मामला है? सिर्फ एक मैटर आया था हमारे पास करल गांव का। तो क्या करी सर? उस करल गांव में ये था कि ग्राम विकास अधिकारी की हस्ताक्षर नहीं है, रजिस्टर नंबर जो रजिस्टर अपना जॉब कार्ड इशू है उसमें भी उसकी एंट्री नहीं है। वहाँ पर जो ऑपरेटर काम करता है उसके स्तर से उसको जॉब कार्ड जारी कर दिया गया था और उसी ने उसको ऑनलाइन कर दिया था। हमने तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत को निर्देशित किया, उन्होंने उस जो लड़का काम कर रहा था उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया। तो सर, किसके खिलाफ कार्रवाई करी थी उसमें? उसमें FIR करा रहे हैं उसके। हमने ग्राम पंचायत को निर्देशित कर दिया है उस लड़के ने जिसने वो अनियमित की उसके उसको FIR करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करी। सर, ये एक मामला और आता है कि आजकल ये JTA के साथ जो स्टेप नहीं चलती है, तो सर ऐसा नियम है क्या, स्टेप नहीं लगा सकते हैं? ऐसा तो कोई स्टेप नहीं वाला तो कोई नियम नहीं है और स्टेप नहीं है। और स्टेप नहीं के जो उनके पूरी फैमिली का जॉब कार्ड में नाम आता है, मेरे ऐसे कोई संज्ञान में नहीं है। मतलब स्टोरी चलती है उसमें नाम होता है, स्टेप नहीं वाला भी कोई मैटर मेरे संज्ञान में नहीं है। ये सर काफी चर्चाओं में है ये चीज भी नहीं मेरे को, मतलब नरेगा तो पंचायत समिति बकानी में काफी दिनों से चर्चाओं में चल रही है। सर, चर्चा में चल रही है तो पहले काम होते हैं तो कोई कोई चीज की आती रहती है। सर, पहले भी 23 मेट के नाम कटे, जो वो मेट यू कह रहे हम तो काम जो मतलब साइड पे ही नहीं थे हम और हमारे नाम काट दिए गए। ऐसे कोई भी नहीं था, जो काम वो नहीं थे उसके हिसाब से तो कार्रवाई की, उसमें ऐसा कुछ नहीं। सर, अभी जो नया मेट पैनल बनाया गया है, मतलब जो आवेदन हुए हैं उसके कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? अभी 7 ग्राम आज ही मैंने इसको सुबह रिव्यू किया है। क्या लिस्ट लगाई जाएगी बाहर या नहीं लगाई जाएगी? अभी हमारे पास 25 ग्राम पंचायत में से 7 ग्राम पंचायतों के मेट पैनल की लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो हम तैयार कर रहे हैं, तैयार करने के बाद उसका पैनल तैयार करेंगे, महिलाओं को विकलांगों को प्राथमिकता देते हुए उसका रजिस्टर मेंटेन करेंगे और अगली बार हम रोस्टर से और नियमानुसार जो नियम है नरेगा के इसका मेट का उसी हिसाब से मेटों का नियोजन करेंगे। सर, नरेगा का नियम है कि जो मेट एक बार ब्लैक लिस्टेड हो जाता है वो 1 साल तक या काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे मेटों के भी आवेदन आए हैं क्या अभी? नहीं, अभी एक्चुअल में क्या है, वो साल भर का तब तक रहता है जब तक वो पैनल रहे जी। यदि वो नए सिरे से वो होता है तो उसमें अब नहीं कर सकता जी। सर, पैनल का नहीं, उसमें नियम वित्त वर्ष का है। वित्तीय वर्ष का है, पर एक्चुअल में क्या है, आचार संहिता की वजह से हम इसका वो नहीं कर पाए थे, मेटों का जो चयन करना था इसके लिए विज्ञप्ति नहीं जारी कर पाए थे, तो जो 24-25 की विज्ञप्ति अब जारी की है तो वो तो मार्च में ही खत्म हुई थी। वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू हो गया था और आपने 22 अप्रैल को मेटों को ब्लैक लिस्ट किया, तो वो तो इस वित्त वर्ष में 22 अप्रैल देखोगे या बीच में ही खत्म हो जाएगा उनका? नहीं नहीं नहीं, जैसे नया पैनल चालू होता है तो पुराना पैनल अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो नया पैनल हमने स्टार्ट कर दिया, उसकी विज्ञप्ति निकाल दी 17 जून उसका लास्ट था और आगे हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को पहुंचा दिया गया, जैसे ग्राम विकास अधिकारी की भी जिम्मेदारी होती है, एनडीसी की भी होती है। नहीं, सरकारी कर्मचारी वाला तो कोई मैटर नहीं था, वहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अलग इशू, उसकी यदि कोई ऐसा मिलता है तो उसकी जाँच करें। सर, कर्मचारी भी हमने ग्राम विकास अधिकारी को 17 में नोटिस जारी किया है, LDC को 17 में नोटिस जारी किया है,
कनिष्ठ तकनीकी सहायक को भी हमने नोटिस जारी किया है, सभी पे कार्रवाई की है निश्चित रूप से। नोटिस तक ये है कि और भी कुछ एक्शन नहीं, नहीं नोटिस का जवाब संतोष प्रसाद समिति से साइन होकर चल जाओ। धगी कर्मचारी विकास समिति ब्लॉक बकानी के बैठक 23 जून को बालाजी पार्क में आयोजित की गई। बैठक में 10वीं 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नवनियुक्त एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान समारोह एवं आगामी जिला स्तरीय बैठक बकानी ब्लॉक में आयोजित करने पर चर्चा हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष रोडोलाल दांगी, उपाध्यक्ष छेतरलाल दांगी, सचिव कैलाश दांगी, संगठन मंत्री रामप्रसाद दांगी, बकानी ब्लॉक अध्यक्ष भवानी सिंह दांगी, सचिव पर्वतलाल दांगी, बद्रीश दांगी, श्यामलाल दांगी, राजा राम दांगी, सीताराम दांगी, ओम प्रकाश दांगी, सहसचिव सूरज दांगी, हितेश दांगी, राधेश्याम दांगी, जगदीश दांगी, रोशन सिंह दांगी आदि उपस्थित रहे। जिले की बराबर पीएससी पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ गत दिनों हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर आज झालावाड़ में एएनएम एलएचवी संघ व अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले महिला नर्सिंग कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। सारे मामले में आरोपी की 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी नहीं होने पर एएनएम एलएचवी संघ ने आगामी प्लस पोलियो का अभियान के बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। सारे मामले में एएनएम एलएचवी संघ व अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारी ने बताया कि प्रदेश के दरदरा के इलाकों में सरकार की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए काम करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं सारे मामले में एएनएम एलएचवी संघ की कर्मचारियों ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही 3 दिन के भीतर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आगामी 30 तारीख से प्रदेश में शुरू होने वाले प्लस पोलियो अभियान का बहिष्कार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अखिल कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैनर तले एलएचवीएनएम संघ की समस्त बहनें जिले की आज हम ज्ञापन देने जिला कलेक्टर महोदय सर और एसपी मैम को आए हैं। हमारी जो बहन के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है कि महिला कर्मचारियों में आज एक डर की भावना है। इस वजह से अपराधी 19 तारीख को ये दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद आज तक अपराधी फ्री घूम रहा है, आजाद घूम रहा है। पुलिस प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है क्योंकि महिला के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज अपराधी खुले में घूम रहा है। तो हम राजस्थान की समस्त एएनएम एलएचवी जो 30 जून को पल्स पोलियो महाअभियान होगा उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाए, जो भी उचित सजा हो वो दी जाए और हमारी बहन को न्याय दिया जाए ताकि ऐसी दुष्कर्म जैसी प्रवृत्तियाँ दोबारा ना हो। एएनएम एलएचवी प्रदर्शन करना है, क्या मामला है? आज हम अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले हमारी एक बहन जो बड़ावर में सुजानगढ़ के चुरू ज़िले में है वहां पर एक दुष्कर्मी के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और उन बहन के साथ बलात्कार किया गया। लेकिन आज इतने दिन बीतने के बाद भी आज दिनांक तक उस दुष्कर्मी को गिरफ्तार नहीं किया गया, इससे पूरे राजस्थान के कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उस आक्रोश के रूप में आज हम चेतावनी के रूप में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन के बाद यदि उस दुष्कर्मी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो निश्चित रूप से महासंघ पूरे ताकत के साथ आंदोलन करेगा और पूर्ण रूप से आंदोलन करेगा। अगर इस प्रकार की घटनाएं कर्मचारियों के साथ होती है तो निश्चित रूप से ये सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सरकार को चाहिए कि वो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए या तो कोई ऐसा कानून बनाए या कोई सुरक्षित जगह पर हमारी महिला कर्मचारियों को नियुक्त करें। कई महिला कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में होती है और वो अर्ध सुरक्षा के पहरे में काम करती है, इसलिए हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें। अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है कर्मचारियों के साथ तो हमारा पूरा महासंघ पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेगा और दुष्कर्मियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, ये हमारी पहली मांग है। और अगली मांग ये है कि हमारे कर्मचारियों के लिए एक विशेष कानून लेकर आए, सुरक्षा कानून लेकर आए, जिस प्रकार से हमारे वकील भाइयों के लिए कानून बना है उसी प्रकार से कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष कानून बनाया जाना चाहिए जिससे हमारे कर्मचारी सुरक्षित हो। और हमारा संगठन निश्चित रूप से हर कर्मचारी के साथ खड़ा है, हर मजलूम जो भी परेशान कर्मचारी है उसका साथ देगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। झालावाड़ बलात्कार पीड़ित महिला ने जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने परिवाद में बताया कि एक माह
पूर्व अब्दुल अजीज नामक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया था, जिसकी रिपोर्ट एक माह पहले ही महिला थाने में दर्ज करा दी थी, लेकिन अभी तक पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित महिला ने परिवाद में बताया कि एक माह पहले अब्दुल अजीज के खिलाफ महिला थाने में बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन मामला दर्ज करवाए एक माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि धारा आरोपी के अब्दुल अजीज पर धारा 366, 342, 376, 600 में महिला थाना में प्रकरण दर्ज है, परंतु अभी तक अभियुक्त पुलिस गिरफ्तारी से दूर है। पीड़ित ने बताया कि उसका पति कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। एक माह पूर्व ही उसका पति कैंसर का इलाज करवाने अहमदाबाद गया हुआ था। पीड़िता ने बताया कि उसका पति आरोपी के यहाँ कई सालों से काम करता है। इसी के चलते आरोपी अब्दुल अजीज ने पति की बीमारी की रिपोर्ट दिखाने के बहाने मुझे बुलाया और कार को रोक कर रेन बसेरा ले जाकर वहाँ मेरे साथ बलात्कार किया था, जिसकी रिपोर्ट करवाए एक माह होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर एक बार फिर पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक के परिवाद देकर न्याय की गुहार की है। दुष्कर्म हुआ है, क्या मामला पूरा? उसने मुझे जांच के बहाने से बुलाया था अब्दुल अजीज ने, क्या कि तुम्हारे हस्बैंड की जांच की रिपोर्ट आई है कैंसर की, और मुझे कार में बिठा के रेन बसेरा लेके चल गया और वहाँ जाके मेरे साथ गलत काम करा और मुझे धमकी दी कि तेरे बच्चों को, तेरे आदमी को, इनको जान से मार दूंगा। तुमने रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ सर। कौन से थाने में? महिला थाने में। कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं हुई सर। तुम्हारे बयान हुए कि मजिस्ट्रेट के सामने? बयान भी हो गया। कितने दिन हो गए इस बात को? एक डेढ़ महीना हो गया सर। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। क्या चाहते हो आप? मुझे इंसाफ चाहिए सर, मेरे साथ गलत हुआ और मेरे आदमी की बीमारी भी, और ये सर इसका फायदा उठाया उसने। धमका रहे क्या वो मुकदमा वापस लेने की? पैसे ले लो, राजीनामा कर दो, और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया। एसपी ऑफिस के बाहर आने की मजबूरी होगी? नहीं हुई सर, मेरे साथ गलत हुआ है। जिसके हमें नौकरी करता था उसने मेरी औरत के साथ रेप करा, किसी जांच के बहाने से बुला के मैं वहाँ बंदा अपन किसी बंजारे के घर पर ले जाकर वहाँ पर रेप करा। मेरे पास इसने फ़ोन करा, मेरे कैंसर की बीमारी है, इसको दिखाने के लिए मैं अहमदाबाद गया हुआ। वहाँ से इसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ अजीज भाई ने ऐसा कहा। मेरे वहाँ से आने के बाद मैंने किसी से जानकारी ली, वो बंजारी से भी पूछी, जहाँ से इसको बिठा कर लेकर गया वहाँ का मैंने एक का सीसीटीवी कैमरे सब कालू बोरू का सर्किट हाउस वाले कैमरे देखे, मैंने पता चला कि अजीज भाई ने ऐसा करा। फिर जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर पुलिस वालों ने कहा कि अनुसंधान चल रहा। मैंने दूसरी बार तबा एसपी साहब को परिवाद दिया है। कितने दिन हो गए अभी तक? ये हो गए एक महीने से ऊपर हो गया, सवा महीने का समथिंग हो गया। गिरफ्तार हो गया आरोपी? नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस वाले और हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि कभी तो कहते हैं कोतवाली जाओ, कभी कहते हैं महिला थाने जाओ, कभी कहते हैं एडिशनल एसपी साहब के पास जाओ। धमकाए भी क्या आपको? हमें धमका रहे कि पैसे ले लो, पैसे लेना हो तो, नहीं तो फिर झालावाड़ में रहने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी, जो भी करना कर लो। तो इसी फैक्ट्री में काम करते थे? अजीज भाई की फैक्ट्री पर काम करता था। मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा रहे हैं कि तू 27-28 लाख रुपये तुझे दिए हमने फ़ोन पे डाले हैं, तेरी बीवी दोनों ही हमने ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे, वहाँ पर कोतवाली मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया उसने। तो उसने पैसे डाले थे क्या? नहीं डाले साहब। तो आप किस लिए आए, इसके से क्या मांग रहे हो? इसके साहब से मांग करने के लिए आया हूँ, मुझे इंसाफ मिले, मुझे न्याय मिले, मेरी बीवी हम दोनों परेशान हो, और जो भी उसने पैसे कोटी पे डाले तो साहब मैं उसके ऊपर मुंशीगिरी करता था। मेरे पास एक एक चीज़ का हिसाब है, अगर लेना चाहेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ का आना पाए हिसाब दूँ। कार्रवाई चल। मामला तेज क्षेत्र में दर्ज कर लिया गया है। अच्छा। महिला थाना द्वारा अनुसंधान जारी है। 64 ग्राम हो गए मेडिकल वर्ग के विभाग का, और मुझे को गिरफ्तार करने की प्रयास जारी है। जैसे ही मुझे प्रॉब्लम होगा महिला का कहना है कि एक माह हो गए मामला दर्ज हुए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और बार बार कभी आईजी को कभी एसपी साहब को परिवाद दे रही है। कार्रवाई तो मुलजिम अलग करना चाहती है, सारी कार्रवाई मुलजिम अलग होगा। इसमें महिला थाने से केस को हटा के और कोतवाली को दिया, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? अभी वो ऐसे तो महिला थाना छुट्टी गया हुआ है। अच्छा। डिस्पोजल के लिए कोतवाली ठीक।
रंग मंडी के सुकेत कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खुलवाने की कवायद शुरू हो गई, जिसको लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को विज्ञान संकाय खोलने की मांग कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को जल्द ही सुकेत स्कूल में विज्ञान संकाय में बायोलॉजी, गणित और एग्रीकल्चर खोलने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी जो राजकीय विद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की रिपोर्ट मंत्री को सौंपेगी। सुकेत भाजपा नेता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा कि सुकेत नगर पालिका में राजकीय विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थियों को मजबूरन रंग मंडी झालावाड़ एडमिशन करवाने पड़ते हैं। कई विद्यार्थियों के आर्थिक संकट के चलते प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवाने पर अपने सब्जेक्ट को बदलने पड़ रहे हैं, जबकि सुकेत कस्बे में विज्ञान संकाय के करीब 500 विद्यार्थी हैं। भानपुरा नगर की सामाजिक सेवा संस्थान टाइगर फोर्स ने कल 24 जून को छोटा महादेव भानपुरा परिसर में पौधारोपण किया। टाइगर फोर्स संस्थान की महिला विंग कमांडो पूनम देवड़ा के जन्म दिवस के अवसर पर टाइगर फोर्स परिवार भानपुरा के सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से मिलकर छोटा महादेव स्थित कुएं के पास पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम आह्वान पर टाइगर फोर्स के सानिध्य में छोटा महादेव में पौधारोपण किया गया, जिसमें टाइगर फोर्स के नगर संगठन प्रमुख पत्रकार प्रदीप जिनगर, महिला विंग कमांडो पूनम देवड़ा राधिका बम्बोरिया, तहसील कमांडो दीपक, टाइगर फोर्स भानपुरा के मार्गदर्शक मनसुख चंदाचौरिया, शासकीय महाविद्यालय भानपुरा के प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र धामनिया, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक, श्रीराम एजुकेशन संचालक डॉक्टर जयंत जोशी, प्रकाश माली, अर्जुन केवट, राकेश, कृतिका, दिव्या, गौरी, दशरथ, भूपेंद्र सोलंकी एवं धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
ब्राइट फेदर पब्लिक स्कूल, ए स्किल एंड एक्टिविटी बेस्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 8th. हरी अप, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, बस फैसिलिटी अवेलेबल. शहर के बीच होने से बच्चे की समय की बचत तथा अनावश्यक शारीरिक मानसिक थकान से छुटकारा. पता: रामनगर, भवानी मंडी. कॉन्टेक्ट अस 9033556728, 9079167225. क्या आप बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक चुके हो? क्या दवाया खाते खाते परेशान हो गए हो? आपके शहर रामगंज मंडी में डॉक्टर नवीन नागर, जोड़, लकवा और नस रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की सेवाएं, जिसमें निम्न रोगों का इलाज: कुल्ले का दर्द, लकवा, एड़ी का दर्द, साइटिका, चेहरे का लकवा, गाठिया या रिंगच बाई, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट, कमर व जोड़ों का दर्द. पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शाहजी चौराहा, बाजार नंबर 1, रामगंज मंडी, राजस्थान, जिनका मोबाइल नंबर है 8209952939, 8233837704. स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार. हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है. त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद. प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव. बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम. हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है. बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है. हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला. हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी. एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th सेशन 2024-25. Bethel Secondary School English Medium, Bhavani Mandi. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844-1812-898.
ऋषभ गैस सर्विस सभी उपभोक्ताओं को जानकारी मुहैया करा रहा है कि भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं की ई केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में आपकी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। मेरी बात का ध्यान दें, अभी भी बहुत से कनेक्शन शेष है जिनकी ई केवाईसी नहीं हुई है, वो तुरंत प्रभाव से अपनी ई केवाईसी कंप्लीट करवाएं और गैस की सुविधा का लाभ लें। इसमें उज्ज्वला व नॉन उज्ज्वला दोनों गैस कनेक्शन धारियों की ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं हुई ई केवाईसी तो नहीं जलेगा गैस का चूल्हा। हमारा मोबाइल नंबर है 7568060310, राजेश सोनी। हमारा मोबाइल नंबर 8058766999, सचिन जैन। 8003950705, नितेश राठौर। हमारा पता ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी पंचायत समिति के सामने, जिला झालावाड़। नमस्कार भारत गैस, मैं सुरेश कुमार जैन, ऋषभ गैस सर्विस प्रोपराइटर। सभी गैस उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका घर का चूल्हा हो सकता नहीं जले। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि गैस एजेंसी पर आकर बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट या फेस के माध्यम से अपना ई केवाईसी का सत्यापन करवाएं और अपने मोबाइल नंबर अगर गलत है तो उसको भी नए नंबर पर अपडेट करावें, ताकि जो गैस एजेंसी पर बुकिंग के नंबर जो बदल गए हैं वो अब नए नंबर है 77-10-95-55 मिस्ड कॉल बुकिंग पर आप बुक कराकर अपने रसोई गैस घर पर प्राप्त कर सकते हैं। महाकाल जूस एंड कचोरी सेंटर। हमारे यहाँ पाइनएप्पल जूस, मौसमी जूस, मिक्स जूस, कीवी जूस, चुकंदर जूस, एप्पल जूस, अनार जूस, एप्पल शेक, अनार मिल्क शेक, ब्लड बैंक चुकंदर शेक, मैंगो शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक, बनाना शेक, पपीता शेक, चीकू शेक, मौसमी शेक। हमारे यहाँ सभी प्रकार के शाही शेक और ड्राई फ्रूट शेक भी उपलब्ध है। हमारा पता है श्री महाकाल जूस एंड कचोरी सेंटर, पचपाड़ रोड, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर दीपक कुमार जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420791। वहीं मोबाइल नंबर मनोज कुमार जैन का 9829485166। मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों का मुंह तोड़ जवाब, 130 रुपए प्रतिदिन किस पर अपना निजी वाहन पाइए। सबसे ज्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां लिथियम और ग्राफीन बैटरी के साथ गाड़ियां उपलब्ध, साथ में सभी गाड़ियों की गारंटी। नो पेट्रोल, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन, नो लाइसेंस, कम खर्च में लंबी सवारी। हमारा पता कालेश्वर मंदिर के सामने, टगर चौराया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर मंसूरी मोटर्स। हमारा फोन नंबर है 8107700989। और हाँ, एक विशेष सूचना, बजाज फाइनेंस जीरो पर, तो देर ना कीजिए। अगर आपको बैटरी की गाड़ियों की जरूरत है तो आप चले आइए कालेश्वर मंदिर के सामने, मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। एडमिशन ओपन मदर्स लिब अ प्ले स्कूल द फ्यूचर बिगिन्स हियर प्री नर्सरी टू यूकेजी
Benefits of our classes, small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address, Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, Bhavani Mandi, District Jhalawad, Rajasthan. Mobile number 6378-228422, 988-7267-439. Note, 30 April 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। एडमिशन ओपन आरबीएससी अफिलिएशन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम नर्सरी टू 12th संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी सोशियोलॉजी हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर। बस फैसिलिटी इक्विप्ड लेबोरेटरी एंड परफेक्ट कंप्यूटर लैब। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी भवानी मंडी जिला झालावाड़ राजस्थान। फोन नंबर सरस्वती बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल आरबीएससी एप्लीकेशन भवानी मंडी जिला जलावा। डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी स्किल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सरस्वती बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिनका पता है केतड़ी बाजार सिंधी मोहल्ला भवानी मंडी। डायरेक्टर श्याम चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर 8769453609। नेहरूवाल सेकेंडरी एकेडमी एडमिशन ओपन एलकेजी टू 10th क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम। आपका लक्ष्य हमारा मार्गदर्शन न्यूनतम शुल्क बेहतर शिक्षा एक उड़ान सफलता की ओर। आइए आपके बालक बालिकाओं को प्रवेश दिलवाकर अपने बालकों का भविष्य उज्जवल बनाए। आरटी के तहत 25% निःशुल्क प्रवेश। डायरेक्टर है महेश बालोदिया एमएससी नर्सिंग, जिनका मोबाइल नंबर है 9057528185। पता है बाबा चौराहा पचपाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान।